अहम मुद्दा हम सब जानते हैं, पिछले लंबे समय से हरियाणा के अंदर सीटी का जो भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है, आज उस विषय में आपसे चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। साथ साथ और भी जो मुद्दे होंगे उसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लगातार पहले तो सीटी का मामला अदालती पेचों में फंसा रहा, लंबे समय से लोग खासतौर से जो युवा हैं और उन युवाओं के परिवार हैं वो इंतज़ार में थे कि हमने बच्चे पढ़ा लिखा दिए अब वो नौकरी लगेंगे, लेकिन किस तरीके से बार बार पात्रता के मापदंड बदले गए, किस तरीके से कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ वो आप बखूबी जानते हैं। और उसके बाद जब ये एग्ज़ाम कल हुआ कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, उसमें किस तरीके से जो सवाल है वो दोहराए गए आप सबने देखा है। समूह 57 परीक्षा में दोहराए गए प्रश्नों में किस तरीके से उसमें चाहे वो IMRB की फुल फॉर्म का मामला हो, नेफेड की स्थापना किस तरीके से हो, जमीन की सतह पर नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है, इस तरीके से सवाल किए और एक ही प्रश्न में दो प्रश्न तक भी दोहरा दिए गए। और HSSC चेयरमैन जिनको संपर्क करने की कोशिश करी उनका भी फ़ोन नॉट रीचेबल आया। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि ग्रुप 56 और 57 उसमें 41 जो सवाल हैं वो रिपीट हुए हैं। और जब कमीशन के चेयरमैन से या और किसी से भी बात करने की कोशिश करी गई तो कोई संतुष्ट जवाब उसमें नहीं आया है। साथ साथ जो परीक्षा हुई है उसमें अगर हम देखें तो हिंदी में परीक्षा हुई है और हिंदी भाषी हमारा प्रदेश है, उसको हम देखें तो गलतियाँ ही गलतियाँ उसके अंदर पाई गई हैं। वो करीबन 50 त्रुटियाँ मोटे तौर पे उसमें देखा गया है, वो मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूँगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि ये अपने आप में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापम घोटाला हुआ था, आपने सबने उसके बारे में सुना भी होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि जो CET एग्ज़ाम का मामला है, लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ, ये उसी तरीके से खिलवाड़ है। और ऐसे में एक साल के अंदर भी अगर खट्टर सरकार ये परीक्षा पूरी नहीं करवा पाई है तो ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ भद्दा मजाक है। इसलिए जो चेयरमैन हैं, अब इस्तीफे की तो स्थिति मैं समझता हूँ कि वो तो जाली है, क्योंकि अगर उनको गलती मान करके और उनको ये लगता कि भाई हम ये एग्ज़ाम नहीं करवा सकते तो जो खुद छोड़ने वाली स्थिति थी वो तो अब चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि इसको नए सिरे से चेयरमैन और पूरे बोर्ड को भंग करना चाहिए, नए सिरे से पूरा मामला होना चाहिए और इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। और CET एग्ज़ाम के 17 जून 2022 को ये हुए थे और जुलाई 22 तक का इसके तहत ये भरे जाने थे मामला, लेकिन आज भी करीबन एक साल से ज़्यादा पूरा होने के बावजूद भी, और बार बार हाईकोर्ट ने इसके मामले के अंदर फटकार लगाई, चाहे वो डबल बेंच हो चाहे सिंगल बेंच का मामला हो, ऐसे में नौजवानों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, चाहे वो त्रुटियों के माध्यम से हो, चाहे रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, या फिर इसके ऊपर जो सरकारी खर्चे की हम बात करें, करीबन 20 करोड़ रुपया इसकी गोपनीयता को लेकर के भी वो खर्च किया गया, ऐसे मामले में जितनी जल्दी से जल्दी ये भंग होगा उतनी जल्दी मैं समझता हूँ कि भविष्य में नौजवानों का जो आने वाला भविष्य है वो हम बचा सकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे पंजाब के मंत्री भुल्लर साहब हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। आप सब जानते हैं कि
आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने पंचकुला से इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में शुरुआत की थी पिछले महीने 9 तारीख से, और बीच में बाढ़ की स्थिति आई, और इस बीच में आम आदमी पार्टी ने जहां बाढ़ और दूसरे राहत कार्यों में जो मदद हमारी हो सकती थी वो हमने कोशिश करी। अब हमारा बिजली आंदोलन वो पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव-गांव में, पूरे 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर सभी ज़िलों में वो चल रहा है। और बिजली किस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भगवंत मान जी के नेतृत्व में, दिल्ली और पंजाब में कैसे हम फ्री बिजली देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं, उसके बारे में और तमाम दूसरे मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। आदरणीय भुल्लर साहब, मैं धन्यवाद करता हूं अपने भाई अशोक तंवर जी का, जो हरियाणा के नेता हैं हमारे आम आदमी पार्टी के। और मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूं कि अगर नीयत और नीति अच्छी हो तो सभी कुछ संभव हो सकता है। जैसे पंजाब में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार अच्छी तरह से चल रही है, जो पिछले दिनों आप सभी मीडिया वाले भाइयों ने देखा कि 12,700 के करीब जो टीचर थे हमारे पंजाब में, जो वक्त वक्त सरकारें आई हमारे पंजाब में, कांग्रेस की सरकार आई, अकाली बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार आई, जिन्होंने पिछले 20 सालों में टीचरों का शोषण किया, 3,500-5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको तनख्वाह दी जाती रही, और वो अध्यापक ये ही सोचते रहे कि हम कभी भी पक्के नहीं हो पाएंगे। और सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, मुख्यमंत्री पंजाब ने अच्छी तरह के कोई कानूनी अड़चन ना बने, सभी टीचरों को रेगुलर किया, पक्का किया, और उनकी तनख्वाह भी 23,500 रुपए के करीब कर दी, जिससे वो 12,500 परिवार तो खुश हैं ही हैं, साथ में आस पड़ोस और उनके रिश्तेदार भी खुश हैं। और ऐसा था हमारे पंजाब में क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए वर्कर हैं, आम लोगों के बीच में से ही आए हैं, आम परिवार से ही हैं। यहाँ तक था कि कई टीचर हमारे बहन भाई दोनों परिवार के सदस्य टीचर थे, जो 3,500 रुपए पे कच्चे के तौर पे अध्यापक थे, और उनके बच्चे कईयों के तो बाहर कनाडा अमेरिका में पीआर हो गए, पक्के हो गए, जहाँ से पैदा होके पढ़ लिख के कनाडा में पीआर हो गए, और कई लोगों के बच्चे, कई अध्यापकों के बच्चे बच्चियाँ जो 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे यहाँ भर्ती हुई है उसमें रेगुलर भर्ती हो गए। और उनको तो ये लगता था कि जैसे हम लोग ऐसे ही कच्चे के तौर पे ही घर में रिटायरमेंट होके चले जाएंगे। और जब मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को ये पता चला कि इन लोगों का पिछली सरकारों ने इतना शोषण किया है और रेगुलर करने के लिए जो भी पॉलिसी चाहिए थी वो बना के उनको रेगुलर किया, और जैसे बिजली, जो बिजली आंदोलन हरियाणा में चल रहा है हमारे यहाँ पे, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और 600 यूनिट जो है 2 महीने का, प्रति माह 300 यूनिट और 2 महीने का 600 यूनिट जो माफ है, हर परिवार की जो है 2,500 से 3,000 रुपया प्रति माह ये भी तनख्वाह लगी है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पंजाब में जो है गरीब और मध्य परिवार से ज़्यादा लोग हैं जिनके लिए जो बिजली का बिल जो तारना है बिजली घरों में बहुत मुश्किल काम था, और ये जो बहनों के लिए बड़ी सुविधा आई है, ऐसे ही हम पूरे हरियाणा में भी ये बिजली आंदोलन है जो चल रहा है वहाँ पे भी, जैसे पंजाब में बिजली फ्री दी है लाखों परिवार, मुझे लगता है 90% घर ऐसे हैं जिन्हों को जीरो बिल आता है। और पिछली सरकारें रही हैं सिर्फ अखबारों में और किताबों में जो होता था जीरो बिल आता था, जो एससी और बीसी परिवारों को ये लोग छोड़ देते थे, लेकिन एससी और बीसी परिवारों के भी पिछली अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में 2-2, 3-3 लाख उनके बिल जुड़े होते थे, और उनके कनेक्शन काट के, उनके मीटर उतार के उनको अंधेरे में रखा जाता था। अब जब सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार बनी है, ऐसे घर भी कई आए हैं कि जिनके घरों में पिछले 40-40, 50-50 साल से बिजली का बल्ब तक नहीं जला, और आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे उन लोगों के घरों में मीटर भी लगे हैं और जीरो बिल आ रहा है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे देखने में आया कि कई डेरे ऐसे हैं, कई बैंकें ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक बिजली तक नहीं गई, और उन बैंकों वालों को, डेरे वालों को जो
आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे सभी को बिजली जैसे पंजाब में फ्री दी जाती है, ऐसे ही वहाँ पे भी जो बिजली आंदोलन चल रहा है, सरकार ने जो वहाँ पे लूटपाट मचाई हुई है वो सारे की सारी आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आने पे वो सारा कुछ खत्म किया जाएगा। और जो ये बर्ती घोटाला किया है खट्टर सरकार में, वो तो ऐसा है, वो जो मंत्री है जो भर्ती घोटाले में शामिल है उसको तो, और चेयरमैन को अभी अपने पद से जो इस्तीफा देना चाहिए। ये जो भर्ती है नौजवानों के जज्बातों से खिलवाड़ है, भर्ती तो ऐसा चाहिए जब भर्ती शुरू हो तो जल्दी में जो भी प्रोसीजर हो पूरा करके उन लोगों को, उन बच्चों को ज्वाइनिंग करानी चाहिए, क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनका भविष्य जुड़ा हुआ होता है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने दीजिए, वहाँ पे जो भी लायक बच्चा होगा जो मेरिट में आएगा किसी को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। और आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे नेशनल कन्वीनर सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं जी। आपके सामने दिल्ली की सरकार में भी आपको सामने जो कुछ कहा वो करके दिखाया, और पंजाब में भी जो जो गारंटियां दी है अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आम आदमी पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और जे वादों और इरादों पे जो तय होता है, जे आम आदमी पार्टी अपने इरादों की पक्की है। जो पिछली पार्टियां वो चोन मैनिफेस्टो जरूर देती हैं, वो बड़े बड़े वादे जरूर करती हैं, पर जब वोटें लेकर वो जीत जाते हैं, सरकारें बना लेते हैं रवायती पार्टियों वाले, वो फिर लोगों को नजर नहीं आते। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें, यहाँ के लीडर जो रवायती पार्टियों के होते थे वो चंडीगढ़ में डेरे लगा लेते थे, और जो दूसरी स्टेटों वाले हैं वो जहां जहां इनकी विधानसभा है वहां वहां डेरे लगा लेते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में देख लीजिए चाहे पंजाब में, हमारे मंत्री MLA हमारे मुख्यमंत्री चाहे जितनी मर्जी मीटिंगें चंडीगढ़ और दिल्ली में हों, और वो अपने काम निपटा के अपनी अपनी विधानसभा में जाके लोगों की सेवा में हाजिर हो जाते हैं, लोगों के काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि किसी का जो जेन्युइन काम है वो रह ना जाए। कोई भी हमारा वर्कर, कोई भी हमारा ब्लॉक प्रधान, सर्कल प्रधान, चाहे हमारा वोटर सपोर्टर, वो निराश ना जाए हमारे दफ्तर से कि हमारा मंत्री MLA अब जीत गया है, चंडीगढ़ में बैठा रहता है। वो जहां जहां जिन जिन MLA मंत्रियों की विधानसभा है वहां पे जाके काम करते हैं। और आप लोगों ने देखा, पहली बार हुआ है जो मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, जिन्होंने फील्ड में जाके काम किया, चाहे बाढ़ वाला इलाका था, बाढ़ वाला इलाका, वहां पे खुद वो आप नंगे पांव में पानी के बीच चल के जाके डेरों पे, बहकों पे जाके लोगों का हाल चाल पूछा, और लोगों को जो जरूरतें थी उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कराई गई। नहीं तो पहले देखते थे कि जो मुख्यमंत्री पंजाब के होते थे, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट के चाहे अकाली दल BJP गवर्नमेंट के, वो ऊपर हेलीकॉप्टर पे चढ़कर कानों पे हेडफोन लगा के नीचे देख लेते थे, ऐसे लगता था जैसे वो पिकनिक मना रहे हैं। इस बार दुख, अगर किसी का किसी कोई जमीन से जुड़ा हुआ वर्कर बड़ी कुर्सी पर जाता है, जैसे भगवंत सिंह मान जी गए हैं, जैसे श्री अरविंद केजरीवाल जी गए, उन लोगों को, लोगों का दर्द होता है, लोगों का दुख होता है कि हम लोग भी किसान रहे हैं, हम लोग भी उन लोगों के बीच में से हैं जिन लोगों को अब बाढ़ आई है और इतना नुकसान हो गया, फसलें मारी गई हैं, उनका चारा पशुओं का खत्म हो गया, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो जरूरतें उनकी खत्म हो गई हैं। और अगर कोई बड़े घराने से हो तो उसको तो ऐसा ही लगता है कि जे बारिश हुई है, बरसात का मौसम है, और हम हेलीकॉप्टर पे, जहाज पे, जहाँ पे पिकनिक मनाने निकले हैं। अगर किसी ने दुख दर्द साझा किया है वो किया है आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, और हमारे MLA मंत्रियों ने, जो लोगों के बीच जाके सरकार की तरफ से भी मदद करते रहे और अपनी जेब से भी मदद करते रहे। इस बार जितने भी बांध टूटे हैं लोगों ने भी मदद की, और हमारी जो सिख जथेबंदियां हैं गुरुद्वारों के, जो हमारे संत महापुरुष हैं, उन्होंने भी मदद की, और सरकार ने एक एक कतरा, एक एक बूंद डीजल की जितनी भी जरूरत पड़ी है, ट्रैक्टर, टिप्पर, पोकलैन मशीनें, JCB मशीनें, जो भी जरूरत पड़ी मौके पे लाके दी, और जितने भी बांध टूटे थे वो सभी के सभी बांध जो बांधे गए। और जो विरोधी होते हैं उनका काम होता है प्रोपोगंडा करना, पर जो ये बाढ़ का दौर था, जो अच्छे लोग थे उन्होंने प्रशंसा की, चाहे वो विरोधी पार्टी के भी थे, क्योंकि
पार्टी सभी मंत्रियों एमएलए साहबानों ने अपने अपने हलके में काम किया और मुख्यमंत्री साहब ने पूरे पंजाब पे निगाह बना के रखी और जहां जहां भी जो जरूरत थी राहत कार्यों की, जो सामग्री की, ट्रैक्टर की, टिप्पर की, पोकलैन की, वहां पे सब कुछ भिजवाया। और जो हमारे पंजाब में जितनी बाढ़ आई है ना, जो जानी नुकसान कम हुआ है बिल्कुल, वो भी नहीं होना चाहिए था। मैं उन परिवारों के साथ हमदर्दी जाहिर करता हूं, उनके दुख में हाजिर हूं मैं, वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री अच्छा था, और अगर जितनी बाढ़ आई है, अगर रवायती पार्टियों की सरकार होती तो ये जानी नुकसान बड़ी बहुत बड़ी मात्रा में होना था। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी की सूझबूझ के कारण ही जो जानी नुकसान है वो बहुत कम हुआ है। लेकिन जो हुआ है उन परिवारों के दुख में, उन परिवारों के साथ हम हर वक्त हाजिर हैं। धन्यवाद। देखिए, जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं हमारे सभी मुलाजम हैं, वो हमारे परिवारों की तरह हैं, और जो उनकी जायज मांगे हैं वो हम पूरी करने के लिए भी तैयार हैं। अगर वो बोलते हैं कि हमको पक्के करो, रेगुलर करो, अगर वो जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी में जो जो ड्राइवर कंडक्टर आते होंगे, जो भी मुलाजम आता होगा, हम उसको सरकार की जो पॉलिसी के अधीन टीचर पक्के किए गए हैं या और मुलाजम पक्के किए गए हैं, हम उन लोगों को भी रेगुलर करेंगे। किसी का जो हक है वो नहीं रहने दिया जाएगा। और मैं उन लोगों से ये विनती भी करता हूँ कि नजायज़ मांगे बनाकर हड़ताल नहीं करनी चाहिए। जो जायज़ मांगे हैं वो तो सरकार पूरी कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वो तो खुद चाहते हैं कि हमारा पंजाब जो है पहले की तरह रंगला पंजाब बने, और जो जो इस पॉलिसी में आएगा सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब उन लोगों को रेगुलर करेगी।